हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। तो आज मैं आपको बताऊंगी प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ्टी के बारे में। प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, चार प्रिंसिपल जो हैं वो बताए गए हैं किसके लिए, सेफ्टी के लिए। मेन चार प्रिंसिपल पहले बताए गए हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, पहला है सेफ्टी पॉलिसी, सेफ्टी एश्योरेंस, ठीक है, सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट और सेफ्टी प्रमोशन, ठीक है। अब क्या है इसमें, देखिए सेफ्टी पॉलिसीज़ क्या है, जो भी आप अपने वर्क प्लेस पे सेफ्टी के लिए मेंटेन करके जो पॉलिसी बना रहे हैं, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर कौन कौन सी पॉलिसीज़ आती हैं, किस तरीके से वर्क करना है, ये सारी चीज़ें किस में आ गई, सेफ्टी पॉलिसी में। क्यों बनाई गई है, ताकि आपके जो वर्क प्लेस पे होने वाले हैज़ार्ड्स हैं उनको आप देख सकें, और उन पे वर्क करने का तरीका क्या है वो आपके सेफ्टी पॉलिसी में आ गई, ठीक है। जैसे आपकी सेफ्टी पॉलिसी के अंदर ये आता है कि कोई भी वर्कर इंडस्ट्री के अंदर तभी आ सकता है जब उसके पास हेलमेट हो, सेफ्टी हेलमेट हो, ठीक है। तो ये क्या होगी, आपकी सेफ्टी पॉलिसी है, ये आपको ऐसा करना ही है, ठीक है। इसी तरीके से सेफ्टी एश्योरेंस है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसमें क्या आपकी स्ट्रैटेजी है कंट्रोल करने की रिस्क को, क्या इफ़ेक्टिवनेस आप शो कर रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। न्यू हैज़ार्ड्स की आइडेंटिफिकेशन आप कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो सेफ्टी एश्योरेंस और सेफ्टी पॉलिसी के बारे में समझ आया। अब सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट क्या कह रहा है, इसमें डिटरमाइन किया, सारी चीज़ों को डिटरमिनेट किया कि नीड ऑफ सेफ्टी क्या है, ठीक है। रिसीव्ड रिस्क कंट्रोल आप कैसे कर रहे हैं, आप जो भी कंट्रोल कर रहे हैं, रिस्क कंट्रोल कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या प्रोसीजर आपने फॉलो किया है, पूरा एक रिस्क मैनेजमेंट तैयार करना। मतलब जो रिस्क होगी उसको आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद आपने क्या किया, उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ टेंडेंसी बनाई, कुछ SOPs बनाई उनको कंट्रोल करने के लिए, उसे बोला गया है सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। सेफ्टी प्रमोशन, ठीक है। अब सेफ्टी प्रमोशन आप कैसे करेंगे, अब मान लीजिए आपने बना लिया, सारी चीज़ें बना ली, मैनेजमेंट कर लिया, सेफ्टी पॉलिसी बना ली, सेफ्टी एश्योरेंस मिल गया, रिस्क मैनेजमेंट भी हो गया, अब क्या सेफ्टी प्रमोशन कैसे होगा, उसके लिए तो आपको गैदरिंग करनी पड़ेगी, लोगों को इकट्ठा करके उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ानी पड़ेगी, पॉजिटिव सेफ्टी के लिए एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, कि सेफ्टी रखने के लिए आपको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा कि जिससे कि हर कोई सेफ्टी लेके चले। अगर आप वो इन्वायरमेंट ही क्रिएट नहीं करेंगे तो कोई भी सेफ्टी पर ध्यान नहीं देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये शो करती हैं कि सेफ्टी जो भी आप उसके लिए प्रिकॉशंस ले रहे हैं प्रिवेंशन देने के लिए, तो उसमें क्या बोल रहा है वो, कि उन पर नज़र रखने के लिए हमें ये मानना बहुत ज़रूरी है, ये करना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेनिंग हम रखें, कम्युनिकेशन हमारी हो, जो भी हमने सेफ्टी के लिए जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं वो सारी चीज़ें सब में स्प्रेड हो, इन्वायरमेंट सेफ्टी का कैसे क्रिएट हो, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं, ठीक है। तो सेफ्टी पॉलिसी क्या होती है, सेफ्टी एश्योरेंस क्या होता है, सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, और सेफ्टी प्रमोशन क्या होता है, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। ये 4 SMS कंपोनेंट्स हैं जो कि एज अ सेफ्टी प्रिंसिपल वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यही शो कर रहा है कि जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं वो आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें आपको क्या है, वर्क तो हुआ, अब उसमें को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसके लिए आपको सेफ्टी का जो ट्रेनिंग है, सेशंस हैं, वो सब आपको रखने पड़ेंगे, तभी लोगों में स्प्रेड हो पाएगा ये, ठीक है। और प्रिंसिपल की बात करूँ तो प्रिंसिपल ये भी कहता है जो भी अनसेफ फैक्ट अनसेफ कंडीशन क्रिएट हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, उनकी भी रिपोर्ट तैयार रखना, कब हुई थी, कितना एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से, कितनी इंजरीज हुई, कितना हैज़ार्ड्स होने के कारण ये सारी चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें भी एक वेल मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन इनकी होनी चाहिए, जिससे कि हम आगे होने वाले जो एक्सीडेंट्स हैं उन पर कंट्रोल कर सकें, और उससे रिलेटेड कोई ऐसे एक्सीडेंट दोबारा ना होने पाए उन पर भी कंट्रोल रखें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी वर्क प्लेस पर वर्क कर रहे हैं तो आपको ये प्रिंसिपल्स ध्यान में रखने ही होंगे, ठीक है। ज़्यादातर जो अनसेफ एक्ट और कंडीशन कैसे क्रिएट होती हैं, जैसे कि कोई भी लिफ्ट है उसको ओवरलोडेड कर दिया, वर्कर्स जो हैं वो प्रॉपर SOP नहीं फॉलो कर रहे हैं,
होने वाला वर्क है उसको तरीके से नहीं किया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, इस तरीके से ज़्यादातर प्रॉब्लम्स दिखाई आती हैं, सामने आती हैं। एक्सीडेंट्स होने के रीज़न्स भी यही होते हैं। तो इसलिए अगर हम रिस्क मैनेजमेंट पहले से करके चलते हैं और हम सेफ्टी अश्योरेंस भी कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम सेफ्टी पॉलिसी और डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं और सेफ्टी प्रमोशन भी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्ट सेफ्टी प्रमोशन का है। देखिए, लाख आप SOP बना ले, लाख आप अपनी प्रिवेंशन रख ले, पर जब तक सेफ्टी प्रमोशन नहीं होगा, ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो उसमें सेफ्टी प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी, ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी, तो ट्रेनिंग की वजह से, लेक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से क्या होगा, एक्सीडेंट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। क्योंकि SOP तो आपने बना लिया, अब वर्क किसको करना है, वर्क तो वर्कर ही करेंगे ना, पर्सनली करेंगे वर्क, तो अब वो वर्क करेंगे और उन्हीं को नहीं पता कि इस काम के लिए क्या SOP बनी थी, तो कैसे सेफ्टी मेंटेन होगी, बताइए। तो यही इसमें बताया गया है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसको कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, लोगों तक वो सारी चीज़ें स्प्रेड कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स यही बताते हैं, ये चार चीज़ों से रिलेटेड है ये प्रिंसिपल, जो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इसे बोलते हैं, प्रिंसिपल होते हैं सेफ्टी के। तो इसमें आपको यही बार बार दोहराया जाएगा कि इस तरीके से आप अपने वर्क प्लेस को सेफ रख सकते हैं, सेफ्टी प्रिंसिपल यही पे कहते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये और कुछ इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या है, कमिटमेंट और लीडरशिप के बारे में बात की गई है कि आपने रिस्क मैनेजमेंट को देखा, कंसल्ट किया, कोऑपरेट किया, कोऑर्डिनेट किया। ठीक है, सेफ्टी अश्योरेंस आपको कब मिली, जब आपने कंसल्ट किया, कोऑपरेट किया, कोऑर्डिनेट किया उनके साथ। ठीक है, अब क्या है, जो भी काम है उसे पीपल करेंगे और प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तभी तो आप ये सब कर पाएंगे ना। तो रिस्क मैनेजमेंट और सेफ्टी अश्योरेंस के लिए यही सबसे पहला पॉइंट है कि आपको जो भी हो रहा है उसे कंसल्ट करना पड़ेगा, जो भी एक्सीडेंट हुआ, फिर वो एक्सीडेंट हुआ उसको रोकने के लिए कोऑपरेट करना पड़ेगा और कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, सभी को अपना अपना कोऑर्डिनेशन इसमें देना पड़ेगा, उसी के बाद सब कुछ, सारी सिचुएशन आप ठीक करवा सकते हैं। ठीक है, तो सेफ्टी और प्रिंसिपल मैनेजमेंट यही बोलता है, प्रिंसिपल मैनेजमेंट, ठीक है, यही बता रहा है कि आपको इस तरीके से आप सेफ्टी अपने वर्क प्लेस पर रख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट जो कि मैंने आज आपको समझाया है, उसमें यही चीज़, चार पॉइंट बहुत ही मेन है कि आप अपने वर्क प्लेस पर जो भी काम कर रहे हैं उसको अगर सही तरीके से किया जाए और उसको उतनी इन्फॉर्मेशन को क्रिएट किया जाए, अपने एनवायरनमेंट को इस तरीके से बनाया जाए, तो आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं और सेफ्टी मेंटेन रख सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये सेफ्टी प्रिंसिपल्स के बारे में बताया, प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट। So, thank you.